इंदौर में आईआईटी जेईई की तैयारी करवाने वाली कोचिंग क्लास फिटजी के सेंटर अचानक से बंद होने की शिकायत लेकर परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और फीस वापस करवाने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि लाखों रुपए फीस जमा करवाने के बाद अब फिटजी ने अचानक से सारे सेंटर बंद कर लिए हैं, जिससे बच्चों और परिजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों ने बताया कि इंदौर में फिटजी कोचिंग सेंटर ने रातों रात अपने 3 सेंटर बंद कर दिए। यहाँ करीब 500 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। संस्था के कर्ताधर्ताओं ने अचानक क्लास बंद कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी और एक हफ्ते के भीतर ही तीनों सेंटर बंद कर दिए। जब हमें इस बात की जानकारी लगी तो वे सेंटर पर पहुंचे, लेकिन संस्थान की ओर से कोई जवाबदार अधिकारी नहीं मिले। इसके बाद परिजनों ने दिल्ली और मुंबई स्थित हेड ऑफिस पर बात की तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। परिजनों का कहना है कि संस्था ने एक एक बच्चे से करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा फीस ली है और ऐसे 500 से अधिक छात्र हैं जो पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमसे बात करी। हम करीब करीब सर 300 से 1000 पेरेंट्स के बीच में हैं। फिटजी ने लाखों की करोड़ों की फ़ीस हमसे ली है। एवरेज फीस एक स्टूडेंट से उन्होंने करीब करीब 1 से 3.5 लाख रुपए के बीच में ली है और वो एडवांस ली है सर। यहाँ पर करीब करीब डिफरेंट कोर्सेज चलते थे, जो कि यहाँ 3 सेंटर हैं सर, पलासिया, अन्नपूर्णा और विजयनगर। इन्होंने ये धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं सर, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारा ऑफलाइन का इनसे वो था, कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उन्होंने धीरे से ऑनलाइन कर दिया उसको। अब ऑनलाइन में भी ये नहीं पढ़ा रहे हैं सर, और हम ये चाहते हैं सर से कि हमारी पूरी फीस वापस दिलवाई जाए और जो पेरेंट्स की जो गाड़ी कमाई है, जो इन्होंने करोड़ों में वसूली है, ये इसको वापस दिलाया जाए और इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए सर। इस बारे में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने परिजनों से विस्तार से चर्चा की और मौके पर मौजूद ACP विजयनगर तुषार सिंह को जांच करने के आदेश दिए। ACP तुषार सिंह का कहना है कि कोचिंग संस्थान को लेकर परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और शिकायती आवेदन दिया है। मामले की पूरी जाँच की जाएगी और परिजनों की फीस लौटाने का प्रयास किया जाएगा। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट। कुछ परिजन यहाँ पे छात्रों के आए हैं, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि फिटजी में उन्होंने अपने बच्चों को इनरोल करवाया था, जिसमें कई पेरेंट्स आए जिनका कहना है किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख फीस जमा करवाई है और फिटजी ने बिना किसी सूचना के और बिना किसी फीस रिफंड के यहाँ पे जो बच्चों का जो सेशन चल रहा था उसे बंद कर दिया है। तो इसके ही अगेंस्ट में उन्होंने शिकायत की है कि या तो वो सेशन कंप्लीट किया जाए या तो वो फीस रिफंड करवाई जाए। इसके लिए उन्होंने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। अब जो भी इस आवेदन में अग्रिम जांच पर पाया जाएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा।